रानीपोखरी के शांतिनगर गांव में 100 आम के पेड़ों को काटे जाने की घटना पर जिस नाटकीय ढंग से पर्दा डालने की कोशिश हुई, वह वन और उद्यान विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एक और वन विभाग ने पेड़ काटने वाले तस्करों को पकड़ने के बाद छोड़ दिया कि मामला उद्यान विभाग के अधिकार क्षेत्र का है, वहीं उद्यान विभाग घटना की जानकारी होने से ही इनकार कर रहा है। दरअसल रात करीब 2 बजे वन विभाग की उड़नदस्ता टीम को पेड़ों के काटे जाने की सूचना मिली। विभाग की टीम सभी तस्करों को पकड़कर रेंज कार्यालय ले आती है। यहाँ कुछ ऐसा नाटकीय घटनाक्रम होता है कि वन विभाग पकड़े गए सभी तस्करों को यह कहकर छोड़ देता है कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। मामले में कार्रवाई करने का अधिकार उद्यान विभाग को है, जबकि वन विभाग पकड़े गए इन तस्करों को उद्यान विभाग के सुपुर्द कर सकता था। अब वन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हमने मामले की सूचना तत्काल उद्यान विभाग को दे दी है। उद्यान विभाग के अधिकारी इस प्रकार की किसी भी सूचना से साफ इनकार कर रहे हैं। उद्यान विभाग का कहना है कि ना तो उन्होंने किसी को आम के पेड़ काटने की अनुमति दी है और ना ही किसी व्यक्ति या विभाग ने ऐसी किसी घटना की जानकारी दी है। वन विभाग और उद्यान विभाग के इस कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, मैंने भी आज अखबार में इस विषय को पढ़ा था और ऐसे बच्चों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पेड़ काटने से पहले वन विभाग व उद्यान विभाग से परमिशन ली जाती है। और मैं अपने जिला उद्यान अधिकारी का बयान देख रहा था कि उसमें कोई परमिशन नहीं ली गई है, तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसको सुनिश्चित करेंगे।